है दोस्तों। तो आज हम चले हैं आपको लेकर के बाबापुरे एयरपोर्ट रोड पर, और इस रोड का जो डेवलपमेंट हो रहा है G20 मीटिंग्स के लिए, जून की G20 मीटिंग्स जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हैं, क्या क्या विकास किया जा रहा है उसके बारे में आपको हम दिखाएंगे नज़ारे, और इस मीटिंग के क्या सिग्निफिकेंस हैं उसके लिए हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रचना श्रीवास्तव से वीडियो के बीच बीच में। तो आपको पूरी नॉलेज एक मिलेगी G20 के मीटिंग्स के बारे में और विकास के नज़ारे मिलेंगे। तो अब हम बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं कि इस रोड पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन है उसे दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और सुपर थैंक्स ज़रूर खरीदिएगा। तो आइए हम बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ इस रोड का। देखिए, इसमें जो दोनों तरफ जो रेलिंग्स हैं उसमें फ्रेश पेंट किया गया है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स। दोस्तों, हमारे चैनल पर डॉक्टर रचना जो प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की उपस्थित हैं, हम उनसे पूछेंगे कि G20 की जून की वाराणसी मीटिंग्स किस प्रकार की हैं। 11 से 13 जून 2023 के बीच में बनारस में G20 की डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग आयोजित होने है, जिसके लिए बनारस तैयार हो रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि G20 का उद्देश्य ही है डेवलपमेंट, जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आर्थिक विकास करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। तो यहाँ इस मीटिंग में मुझे उम्मीद है कि ये साथ मिलकर कैसे विकास किया जाए इस पर विचार होगा। पौधे लगे हुए हैं, इनको भी प्रूनिंग की गई है, और इरिगेशन, देखिए पाइप एक लगा है, पानी का पाइप लगा है, तो पानी डाला जा रहा है पौधों को हरा भरा बनाने के लिए, जिससे मीटिंग के दरमियान पौधे एकदम हरे भरे रहें। और मैं थोड़ा जूम करूंगा, सामने आपको एक फुट ओवर ब्रिज दिख रहा है, ये देखिए, तो उस पर भी फ्रेश कोट ऑफ पेंट, क्रीम कलर का पेंट किया गया, बड़ा सुंदर दिख रहा है ये जो फुट ओवर ब्रिज है। जनता से मेरी अपील है कि रोड को क्रॉस करने के लिए इस फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें, क्योंकि अभी खाली जा रहा है। जैसा डॉक्टर रचना ने बताया, जून की मीटिंग्स G20 की बनारस में इकोनॉमिक, ट्रेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे आधारित होंगी। बहुत सारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, देखिए बाएं तरफ जूम करता हूँ, ये देखिए बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, कम से कम 200 फ्लैट तो होंगे। अभी आप इसको और साफ देख सकते हैं, कम से कम 200 फ्लैट का एक बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। फ्लैट खरीदना है तो बुक करिए आज ही। और ये पाम ट्रीज, खजूर के पेड़ बड़े सुंदर लग रहे हैं, और फुट ओवर ब्रिज फिर आ रहा है एक, और इस पर भी जो पेंट है फ्रेश लग रहा है, लेकिन ये भी खाली है। तो एक बार फिर लोगों से अपील है कि रोड क्रॉस करने के लिए रोड के बीच में ना आए, रेगुलर ट्रैफिक के सामने ना आए, और ये फुट ओवर ब्रिज जो दिख रहा है क्रीम कलर का, इसका उपयोग करें, जो कि अभी अनयूज जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हुआ है इसका, कम से कम प्रयोग करें। देखिए, और ये आ गया बाबापुर का गैस बॉटलिंग प्लांट, ये देखिए गैस के टैंकर खड़े हैं, दोनों तरफ रोड के गैस के टैंकर हैं। ये LPG है, LPG गैस किचन में जो सप्लाई होते हैं सिलेंडर, वो यहाँ भरे जाते हैं। तो ये बाबापुर का है गैस बॉटलिंग प्लांट, और बीच में जो हेज है डिवाइडर पे, उसकी प्रूनिंग की गई है, पानी डाला गया है जिससे हरा भरा रहे। और फर्राटे भरती हुई गाड़ियाँ इस 4-लेन ब्यूटीफुल रोड पर, देखिए बाइक वाले भी चले जा रहे हैं। ये देखिए लेबर वर्क फोर्स लगी हुई है, इतने लेबर लगे हैं, ये देखिए फिर यहाँ रोड को अच्छा बनाने के लिए।
पूरी फोर्स लगी हुई है। ये देखिए पानी टैंकर से डाला जा रहा है, वाह टैंकर खड़ा है पानी डालने के लिए पौधों में। Whip up my appetite. Don't leave me alone.